यार MI इंडिया में काफ़ी अच्छा ब्रांड हो चुका है और MI के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा इंडिया में आ चुके हैं कि अब इसकी कॉपी बनती हुई शुरू हो गई है। मतलब जो असली माल है और जो नकली माल है दोनों में आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि भैया कौन सा असली है। मतलब जो आपने पैसे दिए हैं डीलर को या शॉपकीपर को, आपने दुकान वकान से खरीदी है। वैसे MI के मोस्टली प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे दुकान वाले अब बेचने लगे हैं। ऑफलाइन मीडियम आ चुका है तो यहाँ पे कॉपी आ चुकी है, तो यहाँ पे अगर आपको चेकआउट करना है कि जो आपने खरीदा है भाई वो बिल्कुल सही माल मिला है आपको या किसी ने आपको चाइनीज माल चिपका दिया, तो उसे कैसे चेकआउट करना है MI के केस में, MI Redmi के कोई से भी फोन हो उनको चेक करना है, तो देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। देखो वैसे हम बात करें यहाँ पे ब्रांड की तो MI भी एक चाइना बॉर्न ब्रांड है, मतलब चाइना का ही ब्रांड है। इंडिया में अब काफ़ी टाइम से है और इंडिया में मार्केट काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लिया, तो इसको देख के लगता है कि यहाँ पे कुछ कुछ इंडियन जैसी कंपनी है लेकिन स्टिल चाइनीज़ कंपनी। अब यहाँ पे क्या है कि भैया चाइनीज़ कंपनी की भी चाइनीज़ कॉपी बन जाती है, तो उसको चेकअप करना है अगर आपको कि भैया आपने जो MI का फ़ोन खरीदा है या MI का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है तो वो जेन्युइन है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है, आपको चाहिए आपका कोई भी ब्राउज़र जहाँ पे आप ये जाके वेबसाइट खोल पाओ। और दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए आपके फ़ोन का या आपके प्रोडक्ट का IMI नंबर या सीरियल नंबर, ये दो चीज़ें पता है आपको तो यहाँ पे भैया आपका काम हो जाता है। तो बात करते हैं कि यार ये जो फ़ोन है MI Redmi Note 8 ये जेन्युइन है या मतलब किसी ने सही में मेरे को चाइनीज़ माल चिपका दिया, तो उसको कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है भैया आपको सबसे पहले MI फ़ोन ऑथेंटिकेशन, ठीक है MI फ़ोन ऑथेंटिकेशन, उसे गूगल अपने आप सजेस्ट कर देगा, नहीं करेगा तो ये आपको लिखना है MI फ़ोन ऑथेंटिकेशन। ये करते ही देखो सबसे ऊपर जो लिंक आएगा प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन -MI.com, ठीक है तो ये मतलब जेन्युइन यही वेबसाइट है, सबसे पहला वाला लिंक क्लिक करना है। और अगर यहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ पे सिंपल क्लिक करके आप अपने फ़ोन की जो वारंटी है या वो रियल है या नहीं है वो सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं, प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन पे गया मैं MI.com के और यहाँ पे देखो वेबसाइट खुल रही है और ये यार आपकी वेबसाइट आ गई। आगे जाके यहाँ पे देखो सिंपल दो टैब बने हुए हैं, पहला टैब है वेरीफाई योर फ़ोन परचेज़। तो भैया जो अगर आपने फ़ोन परचेज़ किया है, मोस्टली फ़ोन के केस में ही होता है ये, फ़ोन परचेज़ किया है तो उसको कैसे वेरीफाई करना है वो यहाँ चेकआउट कर सकते हो। दूसरा जो टैब है वो है प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन, मतलब फ़ोन के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आ चुके हैं MI के Xiaomi के, तो उनको चेकआउट करना है तो उसको कैसे करना है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ़ोन की कि अगर आपने फ़ोन खरीदा है तो क्या करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे खुद ही बता रखा है इन्होंने कि यहाँ पे आपको IMI नंबर चाहिए या फिर सीरियल नंबर चाहिए। अब ये चीज़ मिलेगी कहाँ से, वो यहाँ पे साइड में मेंशन किया हुआ है कि भैया बॉक्स पे IMI और सीरियल नंबर दोनों लिखा होता है तो वहाँ से निकाल लो आप। या फिर दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे आप ये कोड जो है इसको एंटर करो *#06#, ये कोड डालोगे तो यहाँ पे आपका IMI नंबर ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा और इस तरीके से उस IMI नंबर को यहाँ पे बस टाइप करना है आपको, ठीक है। तो चलो हम इस फ़ोन का IMI नंबर निकाल लेते हैं, Redmi Note 8 जो परचेज किया है ये मैंने यहाँ पे IMI नंबर डाल दिया बिल्कुल सेम, ठीक है टाइप कर दिया। मेक श्योर कि आप बिल्कुल सही सलामत डालो इसको, कुछ मतलब इधर उधर होगा तो दोबारा से डालना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के जो कोड हैं वो डालने हैं, तो यहाँ पे आप देख के डालो कि स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है। और ये हमने कर दिया यहाँ पे भाई वेरीफाई और ये करते ही देखो यहाँ पे सीधे सीधे आ गया Redmi Note 8 Moonlight White 4GB RAM 64GB ROM और नीचे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो फ़ोन है जो परचेस किया है ये ऑफिशियल इंटरनेशनल वर्जन है। मतलब कि यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, मतलब आप समझ लो कि आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो यार ये सिंपल सा तरीका था, कोई भी MI का प्रोडक्ट या स्पेशली MI का कोई भी फ़ोन परचेस कर रहे हो तो आप MI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कैसे चेकआउट कर सकते हो कि भैया आपने जो माल खरीदा है वो चाइनीज़ तो है लेकिन वो असली वाला चाइनीज़ है कि वो नकली वाला चाइनीज़ है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है जानना आपके काफ़ी काम का है। अगर आप नया डिवाइस प्लान कर रहे हो परचेज का तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।